बड़ी दौड़ धूप के बाद वो आज ऑफिस पहुंचा। उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ। बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है, क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए, उसने देखा पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है। मां याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था, बगल में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई, पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी, उसे हटाकर ऊपर गया तो देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ, उसके मुकाबले मेरे डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है, संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदार तक जरूर शेयर करना। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।